अगली खबर राजनांदगांव से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया है, धरना दिया गया है और इस मौके पर मौजूद लोगों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। बीजेपी के धरना प्रदर्शन में वक्ताओं ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों से वादा खिलाफी कर रही है और वे अपने घोषणा पत्र के अनुसार सारे वादे पूरे करें। वही केंद्र सरकार के मामले को लेकर किसानों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। मूल्य 2500 नहीं दिया, लेट खरीदी के लिए किसानों को क्षतिपूर्ति नहीं दिया, किसानों के जो अन्य बैंकों के कर्जे बचे हैं उसको आपने माफ नहीं किया, बिजली जो हाफ 400 यूनिट तक किया है उसको पूरा माफ नहीं किया, तो इन मुद्दों को लेकर हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। स्वाभाविक रूप से आपने समर्थन मूल्य की घोषणा की, 2500 रुपए हम देंगे, अब वो 2500 रुपए देने के लिए केंद्र की मुंह ताक रहे हैं और वहाँ जाकर के बोल रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री जी, खाद्य मंत्री जी, ये लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं।